सर हो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू उबर हंट सिम्युलेटर। तो गाइस, आज हम दोबारा से यूरो ट्रक सिम्युलेटर 2 बस मोड खेलने वाले हैं। तो गाइस, आई नो कि ये बस आपने मेरे पुराने वीडियो में देखी होगी, लेकिन आज कुछ अलग बात है। तो चलिए, वो मैं आगे वीडियो में बताऊँ। चलिए, हम अभी बस को स्टार्ट करते हैं और पैरा गियर लगाते हैं और निकल पड़ते हैं। और ये ट्रैफिक चलो भूल गया, अब हम आगे निकलते हैं। गाइस, इस बस में बहुत कुछ हद से ज़्यादा ही पावरफुल है ये बस। तो यही इस बस का डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है वो आप वीडियो में देखना, आपको पता चल ही जाएगा क्यों ये बस पावरफुल होने के बावजूद भी क्यों ये पावरफुल होना इसका डिसएडवांटेज है, एडवांटेज क्यों नहीं है। तो गाइस देखो, तो चलो अब मैं बता ही देता हूँ कि क्या है डिसएडवांटेज क्या है। तो क्या है कि देखो गाइस, मैं सिर्फ एक बार ये वैसे मैं कीबोर्ड से खेलता हूँ, लेकिन देखो मैं एक बार ऐसे एक प्रेस करता हूँ आगे का एरो, तो ये बस डायरेक्ट 30 की स्पीड पे दौड़ता है। देखो गाइस, और इसकी ब्रेकिंग इंटेंसिटी मैंने फुल करके रखी है, लेकिन फिर भी मैं ब्रेक लगाता हूँ तो इसके जल्दी ब्रेक लगते ही नहीं है, क्योंकि पिकअप कुछ हद से ज़्यादा ही है इसकी पिकअप। मैं इसको स्टॉप कर ही नहीं पाता हूँ फुल ब्रेक की इंटेंसिटी फुल होने के बावजूद भी। और क्या है कि क्या कहते हैं वो इसकी स्पीड, हाँ पिकअप बहुत जल्दी जाना बढ़ने के कारण स्पीड बढ़ जाती है। और सस्पेंसर इसका इतना ख़राब, देखो गाइस, देखो मैं सिर्फ हल्का से लेफ्ट कर रहा हूँ या राइट कर रहा हूँ, इसका सस्पेंसर देखो। मैंने इसकी स्टिफनेस वैसे तो फुल करके लो करता हूँ ना गाइस, तो बस पूरी ऐसे ऊपर नीचे, जैसे क्या लगता है हम पानी पे जैसे बोट कैसे चलाते हैं, वैसे इसके इस बस के अंदर फील आता है। तो ये बस ये इसका इतना डिसएडवांटेज है, सिर्फ इसकी स्पीड ज़्यादा होने वो भी चल जाता, लेकिन सिर्फ इसका ये सस्पेंशन अच्छा होता ना गाइस और ब्रेकिंग इंटेंसिटी तो मैं चला लेता है, बाकी वो सब अच्छा होता तो ये बस एकदम परफेक्ट है। क्या लगता है कि इसको कार के साथ रेसिंग में रख दो तो भी गाइस है शायद अच्छी चल जाएगी, इतनी तेज जाती है। और मैं एक और बात बता दूँ, इसकी HP कितनी है पता है आपको? इसकी HP है आई थिंक 1500 HP है। और ये ठुक गई है ट्रक, मुझे बताया अब थोड़ी देर रुका ही रहेगा, ठुक गई तो जाएगा मैं नहीं साला, निकल साले, खड़ा रह जाता है बीच में। हाँ नहीं देख, तो दिखता नहीं है इतनी महंगी बस लेकर मैं आया हूँ, और 1500 HP की थोड़ा डिसएडवांटेज है इसमें, हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी महंगी तो है। हाँ नहीं तो गाइस, ये मुझे एक और बात बताना, आपको किसी कोई जानता हो तो, कि मैं ये ETS 2 यूरो ट्रक सिम्युलेटर 2 खेलता हूँ तो रिकॉर्डिंग में करता हूँ तब तो इसी ब्राइटनेस नॉर्मल रहती है, ठीक है, लेकिन मैं इसका आउटपुट देखता हूँ तो डार्कन आता है। मैं बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर ट्राई किए लेकिन इसका आउटपुट डार्कन ही आता है। आई थिंक कुछ मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि मेरा PC लो एंड है आई थिंक। हाँ वो भी मुझे पता है कि लो एंड है, आपको पता ही होगा कि मैं ये अभी 720p पे ही खेल सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं करता हूँ क्वालिटी गेम हैंग होती है, इसलिए मैं उससे ज़्यादा करता ही नहीं गाइस। इसलिए गाइस प्लीज़ सपोर्ट करना गाइस, तो हम कुछ आगे बढ़े, कुछ पैसे वैसे जमा करें तो अच्छा सा PC में बाय कर सकूँ और आपको अच्छे अच्छे गेम प्ले ला सकूँ। गाइस मेरे फ्यूचर के लिए इतने सारे मेरे टॉपिक जमा करके रखे हुए हैं ना गाइस, लेकिन वो सारे टॉपिक कुछ हाई एंड PC के लिए है, ये मेरे लो एंड PC में उन टॉपिक को मैं रन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए गाइस। तो गाइस, और चैनल ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो लाता ही रहूँगा गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, ठीक है। और आप एक और बात ये भी बताना कि गाइस आपको ये अंदर कैबिन वाला कैमरा दिखा था वो अच्छा लग रहा है कि वो बाहर से दिखा था? ओ देखो देखो गाइस, देखो इसका सस्पेंशन देखो कैसा है, दिखा ना आपको गाइस कि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता गाइस। स्पीड का वो मैं ब्रेक का मैं सब चला लेता हूँ, लेकिन सस्पेंशन इतना ख़राब है कि चलाते वक्त हमारी बस एकदम अच्छी लुक नहीं आता है अच्छा, इसलिए। बाकी लुक ऐसे देखने रहा है नॉर्मली अगर चलती तो अच्छी दिखती है, लेकिन ये सस्पेंशन के कारण अच्छी नहीं दिख रही है गाइस। तो बस ये बड़ा एक डिसएडवांटेज है। तो गाइस अभी कितना थोड़ा सा बाकी रह गया होगा, तब तक के लिए थोड़े आगे से भी आपको मैं दिखा देता हूँ बस की कैसी लग रही है, बाकी है बहुत बढ़िया बाकी गाइस बस एक्चुअल। और गाइज ये मैंने इस मॉडल का सबसे छोटा वाला ये निकाला है, इससे थोड़ी वो क्या 1500 HP से ज़्यादा भी इसमें हो सकता है, वो क्या कहते हैं मल्टी एक्सल आता है ना वो पीछे से वो टायर पता नहीं वो उसे मल्टी एक्सल ही कहते हैं शायद, तो वो भी इस बस में मोड अवेलेबल है, तो उसका वीडियो आपको चाहिए मल्टी एक्सल वाला
गाइस कमेंट करके मुझे बताना कि मल्टी एक्सरे पार्ट टू यार कुछ भी लिख देना गाइस, अच्छा सा कमेंट कर देना, तभी मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ भाई किसी ने देखा है वीडियो, कमेंट कर रहा है कोई, हाँ तो गाइस ये कर देना प्लीज़, ठीक है। देखो गाइस फिर से पानी पे जलनी स्टार्ट हो गई, मतलब कि समझ रहे हो कि ये सस्पेंशन ऐसा है कि जैसे बोट चल रही है वैसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, या ट्रैक जरा सा भी करते थोड़ा स्पीड में तब होता है, स्लो में तो नहीं होता है, वैसे किसी भी व्हीकल स्लो में तो नहीं होगा शायद गाइस। हाँ और गाइस अभी ये बस का वीडियो डाल रहा हूँ, आई थिंक कल तो ट्रक का वीडियो आएगा या फिर GTA 5 का वीडियो आएगा कल, तो देखते गाइस। अभी मैं थोड़ा दिन गाइस एग्ज़ाम चल रहे तो उसके बाद से थोड़ा बिजी हूँ गाइस, इसलिए एग्ज़ाम से पहले मैं 3 वीडियो डालता था, लेकिन अब मैं 3 वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, तो थोड़ा बिजी हूँ गाइस इसलिए, और थोड़ा डीमोटिवेट भी हो गया हूँ गाइस, क्योंकि यार गाइस इतनी मेहनत करता हूँ गाइस, रोज 3-3 वीडियो मैं डालता था एग्ज़ाम से पहले, अभी तो वैसे डेली एक दो वीडियो तो आ ही रही है, लेकिन व्यूज़ गाइस व्यूज़ बहुत बहुत ही कम आ रहे हैं, जैसे मैं इनपुट डालता हूँ ऐसा मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है गाइस, आई डोंट नो कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है गाइस। अभी मैं पिछले एक साल से ऊपर से एक्टिव रेगुलर एक्टिव एकदम परफेक्ट पे चैनल पे आई थिंक 780 से ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आई थिंक थोड़े दिन में 1000 भी अपलोड, मैं वैसे रुकूंगा नहीं गाइस, मैं अनस्टॉपेबल में पूरा चलता ही रहूँगा, देखते हैं लेकिन कब तक ग्रो होता है, किस कोई लकी होता है उन लोगों का 50, 100 या 150 वीडियो में हो जाता है ग्रो, लेकिन मेरे 780 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और गाइस ये तो इस चैनल की बात रही, मैंने इससे पहले भी एक और चैनल था, उस चैनल पे भी मैंने आई थिंक 650 से भी ज़्यादा वीडियो रेगुलरली अपलोड कर दिए थे, और वो चैनल पे मैं आई थिंक ऑल वो एंड्रॉयड मोबाइल की गेम्स ही खेलता था उस चैनल पे मैं, तब मेरे पास PC था ही नहीं, और अब PC है वैसे होती कि लो एंड है गाइस, तो मैं किसी भी तरह करके काम चला लेता हूँ, तो हाँ गाइस आप सपोर्ट करना प्लीज़ मुझे, वीडियो को देखना यार गाइस, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना गाइस, और कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो वो भी मुझे बताना गाइस, ठीक है। तो गाइस अभी हम तो अभी हमारे डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं आई थिंक, अब बस को हम पार्किंग में लगाते हैं सीधा, और फिर कुछ नहीं गाइस, मैं दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर, तो अभी ये एडिट करूँगा, फिर अपलोड करूँगा, फिर दूसरी वीडियो एडिट करूँगा, पहले पार्किंग करते थे, ठीक है चलिए रिवर्स, हाँ गाइस ये रिवर्स में भी ऐसे मैं सिर्फ एक बार प्रेस करता हूँ ये एक्सीलेटर का कि एकदम से आगे चली जाती है बस, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो गाइस बस इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो को लाइक करना, और दूसरे वीडियो भी आप देखना कि कैसे है वो, कुछ इम्प्रूवमेंट की मुझे ज़रूरत हो वो भी बताना मुझे, ठीक है गाइस। तो बस इतना ही था गाइस, तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, चलो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू एंड गुड बाय 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 बाय।